नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। संसद में नोटबंदी पर जारी गतिरोध के बीच आज लोकसभा में बोलेंगे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। विपक्षी दलों की बैठक में हुआ फैसला। राहुल गांधी ने सरकार के नोटबंदी के फैसले को बताया था बेकार। डिजिटल मोड से पेमेंट करने वालों के लिए पेट्रोल और डीजल पर 0.75% का डिस्काउंट। टोल टैक्स पर 10% और ऑनलाइन रेल टिकट बुकिंग पर मिलेगा 10 लाख का फ्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। हैदराबाद के नानक रामगुड़ा इलाके में निर्माणाधीन 7 मंजिला इमारत गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। मलबे में अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका। राहत और बचाव कार्य जारी। 70 वर्ष की हुई कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी। 10 जनपद पर लगा बधाई देने वालों का तांता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी। आयकर विभाग की रेड में नई करेंसी की अब तक की सबसे बड़ी खेप बरामद। चेन्नई में इनकम टैक्स ने 8 जगहों पर छापा मारकर 90 करोड़ रुपए किए जब्त। 100 किलो सोना भी बरामद। चुनाव आयोग ने चुनाव वाले राज्यों को दी सलाह। स्कूलों में परीक्षा की तारीख पूछ कर तय करें। कल ही यूपी में बोर्ड परीक्षा की तारीखों का हुआ है ऐलान। और बीसीसीआई और लोढ़ा कमेटी की जंग पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई आज। लोढ़ा कमेटी की सिफारिश मानने से आनाकानी कर रहा है बोर्ड। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।